गुड मॉर्निंग क्लास फोर, आपका चल रहा था चैप्टर 3 कंप्यूटर में एमएस विंडोज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लास एक बार मैं आपको दोबारा वो टॉपिक समझा देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो मैंने आपको क्या समझाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कंप्यूटर जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। तो हम एक समय पर बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो अगर हमें एक सारी चीज़ें करनी है तो हमें मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर का काम करता है। मैनेजर का क्या काम होता है, जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी में कोई मैनेजर है या जो हेड है उसका क्या काम होता है, हेड है या ओनर है तो उसका क्या काम होता है, वो ये देखता है कि बाकी सारे जो वर्किंग में हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मैनेजर होता है कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से मैनेजर का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि कंप्यूटर के जो इंटरनल फंक्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से इंटरनल फंक्शनिंग देखता है। इंटरनल फंक्शनिंग से मतलब है कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, क्या टास्क मिला है, वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको किस पार्ट को क्या वर्क करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो ऑपरेटिंग ऑपरेशन देखता है, यानी ऑपरेशन यानी वर्किंग देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे वर्क करेंगे, उनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो और भी होता है लेकिन हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम से पर्टिकुलर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो काफ़ी सालों से जो है हर कोई यूज़ कर रहा है, यानी कि इवन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ कॉल्ड ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे ग्राफिकल यूज़र बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको शो करने के लिए पिक्चर्स, जिस देखते आप आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। हम इसमें हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमें कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, तो हम माउस पे क्लिक करके हम वो चीज़ ओपन कर सकते हैं। तो क्लास ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वे एमएस विंडोज है, इस तरीके से इसकी स्क्रीन होती है। क्लास कल, आज आपको मैं कुछ जो आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाऊंगी कल, उसकी बस थ्योरी पढ़ा रही हूँ कि आपको वॉलपेपर क्या होता है, बाकी चीज़ें एमएस विंडो के क्या फीचर होता है, यानी एमएस विंडो दिखने में कैसी होती है, क्या क्या काम करती है और कैसे काम करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो जो थ्योरी है वो पढ़ा दूंगी। बाकी जितना भी आपको कंप्यूटर पर मैं दिखाऊंगी वो मैं कल दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, कैसे क्लोज करोगे, कैसे ओपन करोगे, क्या ऑप्शन आप चूज करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस चैप्टर में जितनी भी हैं वो सारी कल बताऊंगी। अब आपको हम बताएंगे एमएस विंडोज, यानी एमएस विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कई वर्जन है, वर्जन मतलब कई कई बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्जन आए हैं। तो जैसे कि जब पहले कुछ साल पहले अलग था, वो अपडेट होता गया, नई नई चीज़ें आई, तो नए नए जैसे मोबाइल यूज़ करते हो आप, मोबाइल पहले कोई और आता था, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आई, जैसे कि पहले हम कीपैड यूज़ करते थे, फिर टच वाला आया, मल्टीमीडिया आया, स्मार्टफोन आया, एंड्रॉयड आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से वर्जन कहा गया है। तो एमएस विंडोज के भी कई वर्जन आए, जिनमें से विंडो एक्सपी, विंस्टा, विंडो 7, विंडो 8, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है वर्जन वो है विंडो 7। अब हम विंडो 7 कैसे करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हमने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग विंडोज स्टार्टिंग दिखाई देगी, एक स्क्रीन अपेयर होगी, स्क्रीन पे आपके एक मैसेज आएगा, विंडोज लॉगिन स्क्रीन होगी, जैसे कि जिसमें आपको अपनी आईडी पासवर्ड अगर लगा रखा है आपने, तो अगर आप आईडी पासवर्ड उसमें डालोगे तो इसके आपके बाद में आईडी पासवर्ड आपने डाल दिया है, वो उसमें एंटर कर दिया आईडी पासवर्ड, तो आपकी विंडोज डेस्कटॉप खुल जाएगा, जो कि आपका ये है लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन यानी लॉगिन करने की मांग रहा है वो, ये जब आप पासवर्ड एंटर कर दोगे आईडी का पासवर्ड, तो
ऐसी दिखेगी। अब विंडोज डेस्कटॉप है, विंडोज डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे कि आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है, मैंने बोला तो बताया था, ये समझाया था, विंडोज डेस्कटॉप जो है आपके स्टडी टेबल की तरह होता है। वो स्टडी टेबल है, आप स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, आप स्टडी टेबल पे क्या आपने वही वही से सामान रखा हुआ होगा जो आपको पढ़ना है, जो आपकी यूज में आएगा, ठीक है, जो आप यूज करोगे आगे भी या कल परसों, जैसे भी आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है, इसी तरीके से डेस्कटॉप के अंदर वो प्रोग्राम या आइटम्स, जैसे डेस्कटॉप जैसे स्क्रीन ओपन करोगे आपको छोटे छोटे सी पिक्चर्स दिखाई देती हैं साइड में, उसे बोला जाता है आइकन, ठीक है। आइकन जैसे ही आप ओपन करोगे, तो जैसे ही आप ओपन करोगे आप डेस्कटॉप, आपके छोटे छोटे जो आइकन आते हैं दिखेंगे, वो आपका यानी कि आपको जो यूज़ किया जाए, जो आप प्रोग्राम है, जो फाइल है, जो फोल्डर है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, जो आपके लिए यूजफुल है, जो आप यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी डेस्कटॉप पर शो होंगी। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक आपके पेज नंबर 32 पे आपका दे रखा है कि यहाँ पर 5 आइकन्स बताने हैं, तो आइकन के नाम दे रखे हैं आपने, इसमें कर सकते हो जैसे रिसाइकल बिन, आप इसमें डाल दोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हो पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे आइकन्स हैं, आप नेम लिख सकते हो। अब हमने बता दिया डेस्कटॉप के बारे में, अब हम बताएंगे वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या होता है, जो देखो डेस्कटॉप है ये शो हो रहा है कि पीछे, यानी ये तो डेस्कटॉप हो गया ऐसा होता है, अब ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है वॉलपेपर होता है, ठीक है। वॉलपेपर जो आपके डेस्कटॉप के पीछे, डेस्कटॉप पे आपके आइकन्स, आइकन्स के पीछे पिक्चर शो हो रही है, तो जो आपके आइकन्स के पीछे एक पिक्चर जो शो होगी वो कहलाया जाता है वॉलपेपर। उसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके में विंडो की शो हो रही है, तो चाहो तो आप दूसरी भी उसमें लगा सकते हो, जो आपके कंप्यूटर में अपना फोटो लगाना चाहते हैं अपना फोटो लगा लो, किसी और का फोटो लगाना चाहते हैं फोटो लगा लो, आपके कंप्यूटर में जो वॉलपेपर ऑलरेडी होते हैं वो लगाना चाह रहे हो वो लगा लो, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। उसके लगाने के, वॉलपेपर चेंज करने के स्टेप क्या है, तो मैं आपको अभी फिलहाल समझा रही हूँ बस, ठीक है, कल मैं आपको एक करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपने चेंज करना है। सबसे पहले आपके नीचे आता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन सबने देखा है, ठीक है, नीचे आपके ग्रीन ग्रीन सा लेफ्ट हैंड साइड में शो होगा स्टार्ट बटन, ठीक है, उसमें विंडो शो होती है, ऐसे शो होता है। इस तरीके से शो होगा नीचे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में शो होगा, इस पर क्लिक करोगे, इसमें आपका कंट्रोल पैनल आएगा, उसे जैसे ओपन करोगे कंट्रोल पैनल आएगा, कंट्रोल पैनल पे जाओगे तो आपको एक विंडो अपीयर होगी दिखाई, जैसे कंट्रोल पैनल ओपन करोगे इसमें चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड आएगा, उसमें क्लिक करके आपको जो सेव करना है ऑप्शन दिखाई देंगे कि कौन कौन से वॉलपेपर हैं, वॉलपेपर जो आप चूज करना चाहते हो, ओपन करने के ओके करने के बाद आप सेव कर दोगे, आपका जो है वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। अब आता है आइकन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके, अब ये सब बता रहे हैं कि विंडोज डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, विंडोज डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या होता है, जैसे आप ओपन करोगे डेस्कटॉप उसके अंदर क्या क्या शो होता है। सबसे पहले वॉलपेपर मैंने समझाया, चेंज करना मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं आपको मैं कंप्यूटर में जाकर ले जाके बताऊंगी किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, वॉलपेपर समझाया है। अब इसके बाद आइकन, आइकन क्या होते हैं, जो आप जैसे ही डेस्कटॉप आपने ओपन किया, जैसे ही आपको छोटी छोटी सी लेफ्ट हैंड साइड में छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो शो होंगी वो कहलाई जाती हैं आपके आइकन, ठीक है, जैसे कि माय कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, और डॉक्यूमेंट्स है, अलग अलग नाम होता है, जो फोल्डर होगा जो आइकन होगा तो हर आइकन का अपना अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके दे रखे हैं, यानी डबल क्लिक ऑन एनी आइकन ओपन्स इन अ न्यू विंडो, जैसे आप कोई भी छोटी सी पिक्चर पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक माउस की डबल क्लिक करोगे, यानी कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो दो बार क्लिक करोगे तो जो आपने सिलेक्ट किया है आइकन वो ओपन
हो जाएगा। देखो अब कुछ आइकन दे रखे हैं, माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ये सब पांच आइकन के नाम दे रखे हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर आइकन क्या शो करता है, इसमें ये बताता है कि आपने जो स्टोर किया हुआ है अलग अलग, जैसे कि कंप्यूटर की देखो ड्राइव्स होती हैं, ड्राइव किसी ने कहा जाता है पार्ट होते हैं, ये ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या ड्राइव यानी अलग अलग, आप उस ड्राइव को ओपन करके देख सकते हो कि हमारा डेटा कौन सा किस में। तो कंप्यूटर ये बताता है कि आपने जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहाँ पर स्टोर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपने जब इंटरनेट चलानी होती है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन क्या होता है, आपने जितना भी कुछ भी डिलीट किया हुआ है तो डिलीट जो कर दिया है वो सारा रिसाइकल बिन में चला जाता है। आप चाहो तो रिसाइकल बिन ओपन करके उसमें से भी डिलीट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, जितना भी एक तरीके से वेस्ट जो आपको चाहते हो कि, या फिर आप देखो आप चाहते हो कि कुछ आप उनकी आपका कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ आपकी स्पेस बहुत कंप्यूटर में ले रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप वो डिलीट कर सकते हो। अब आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ चीज़ें से गलती से डिलीट हो जाती है, ठीक है, जो जो चीज़ें गलती से डिलीट हुई हैं तो हम रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, उसमें आपको स्टोर करेंगे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने फाइल्स फोल्डर्स बनाए हैं वो सारे उठा देंगे। पिक्चर्स, पिक्चर्स में आपने जो भी पिक्चर्स हैं आपकी, जो आपने कंप्यूटर में पिक्चर्स सेव की होंगी वो सारी आपकी पिक्चर्स में फोटोज जो हैं शो होंगे। अब आपको कोई आइकन ओपन करना है तो कैसे करोगे, माउस होता है, माउस को लेके जाओगे, पॉइंटर होता है कर्सर, उसको किसी भी आइकन पे लेके जाओगे, फिर माउस की लेफ्ट माउस बटन जो है वो सिलेक्ट करने के लिए प्रेस कर दोगे। सिलेक्ट करना है तो एक सिंगल प्रेस करोगे, डीसिलेक्ट करना है तो आप उसी को दोबारा माउस पॉइंटर को जहाँ लेके गए थे सिलेक्ट आइकन पे उसी को आप एक बार और प्रेस कर दोगे तो वो डीसिलेक्ट यानी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई ओपन करना है प्रोग्राम तो आप, अब देखो ये क्लास में आपको कल बताऊंगी सिलेक्टिंग वाला, डिसलेक्टिंग वाला, पेज नंबर 35 वाला जो ऊपर के टॉपिक्स हैं वो आपको कल समझाऊंगी कंप्यूटर पे। अब टास्क बार, टास्क बार आप देखोगे जैसे ही डेस्कटॉप ओपन करोगे जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है सबसे नीचे, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ होता है टास्क बार सबसे नीचे, यहाँ स्टार्ट बटन होता है, यहाँ और होता है, ये पूरा टास्क बार चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर आइकन कल मैं आपको दिखाऊंगी कंप्यूटर पे, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार इज अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा लेटा हुआ खड़ा, ठीक है, ये इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, जो ऐसी फॉर्म में होता है वो हॉरिजॉन्टल, ऐसी फॉर्म में होता है वर्टिकल, ठीक है। ये आपके डेस्कटॉप के सबसे नीचे होता है, इट हैज मैनी बटन सच एज स्टार्ट बटन, इसमें बटन होते हैं स्टार्ट बटन और आपको स्पीकर, क्लॉक, ये सारी चीज़ें शो होती हैं जो कि आपको शो करना है। आप इसको देखो, इस टास्क बार को आप एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हो, आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, लेफ्ट वी डैश टू द लेफ्ट राइट और टॉप, कहीं भी इस पर क्लिक करोगे, इस पर सिलेक्ट करोगे माउस बटन को, जो आपने लेफ्ट बटन है उसे प्रेस नहीं रहोगे, जहाँ मूव करोगे वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन है टास्क बार में, इसमें क्या होता है सारी, इट इज लाइक अ की टू ऑल ऑप्शंस ऑफ विंडो, सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो इसमें शो होते हैं, ये लेफ्ट साइड में होता है टास्क बार के लेफ्ट साइड में, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, शट डाउन ऑल प्रोग्राम्स, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपको शो होगा शट डाउन, डाउन यानी आप बंद कर सकते हो कंप्यूटर, ऑल प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स शो होते हैं, ऊपर इधर लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और कंप्यूटर, देखोगे आप, आपने ओपन किया हुआ इसमें पिक्चर शो हो रही है, ऑल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। लास्ट अभी ये मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ, बाकी जितना भी जो आज समझाया है वो मैं कल आपको लैब में या कंप्यूटर पे सिखाऊंगी, यानी कंप्यूटर पे दिखाऊंगी आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि किस तरीके से मैं आपको शो करूंगी, किस तरीके से आपने जो कोई ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, क्लोज करना है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखोगे और आपके घर में कंप्यूटर है उन पे देखोगे करके कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे से, क्योंकि आज मैं आपको
लैब तो ले जा नहीं सकती हूँ, अभी लैब नहीं ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा सकती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कंप्यूटर में कौन सी चीज़ कहाँ शो होती है। आज मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ बताई है कैसे करनी है, क्योंकि अब आप पूछोगे मैम वॉलपेपर क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको जब आप वॉलपेपर देखोगे, मैं आपको वॉलपेपर चेंज करना, आइकन्स ओपन करना वो बताऊंगी, हर आइकन में क्या क्या होता है, और आइकन्स को सिलेक्ट करना, डिसलेक्ट करना, कोई प्रोग्राम को ओपन करना, स्टार्ट बटन कैसे वर्क करता है, स्टार्ट बटन पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो दिखाऊंगी, के बाद फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो बताऊंगी, ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स कौन कौन से होते हैं वो बताऊंगी मैं आपको, और इसके बाद आपका टॉपिक है इसी में एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो में क्या क्या होता है वो बताऊंगी, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मैं कल आपको लैब में एक बार अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है, और फिर जब इसका चैप्टर आपको कल ऑलमोस्ट आपका लैब में हो जाएगा, ठीक है, तो जब लैब में हो जाएगा थोड़ा सा आपका जो है वो रह जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, इसी का लैब के अलावा इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी है जो मैं क्लास में ही एक्सप्लेन करूँगी, वो कंप्यूटर पर एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आपका जो है वो लैब में कराऊंगी, तो लैब में जब मैं कराऊं तो अच्छे से आप समझ के करिएगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अभी मैंने इतना समझा दिया है विंडोज डेस्कटॉप के बारे में, दो चीज़ें बता दी मैंने, वॉलपेपर और आइकन, वॉलपेपर आइकन कैसे होते हैं किस तरीके से ये आपने देख लिए हैं, बाकी आपको कल अच्छे से देखना, और जो प्रीवियस करा दिया है क्लास मैंने चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर आपका इतना बड़ा नहीं है तो आप अच्छे से समझ समझ के पढ़िएगा, जो प्रीवियस आप मैंने टॉपिक करा दिए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।